अब हम कितने साल के हो? बेटा अभी तो मैं कवा रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। यही उम्मीद है मुझे तुझसे। चाटा मार दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सभी को पता है कि घर में शादी है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा फर्नीचर लेने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब शादी के बाद मनदीप भाई, भाभी, उनके तीनों बच्चे यहीं शिफ्ट हो जाए। तो हमने नीचे एक फ्लोर ले लिया है उनके लिए और फर्नीचर लेके आते हैं। क्या क्या लेंगे सब दिखाएंगे। चलो तो यहाँ पे भैया मेरी डाइट भी पैक हो गई है, जिसमें प्रोटीन है, पानी है, पपीता है और साथ में क्या है? पापा आज मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। मैं मानू या तू मानेगा? आप मानो। क्या मानो? आप ना एक चैलेंज करो मेरे साथ कि आज आप यस से करोगे। जो भी तू बोलेगा। हाँ, जो भी मैं बोलूंगा वो आप हाँ बोलोगे। यार जायज बोलियो, तू बोलेगा खर्चा, मैं खर्चा तो नहीं कर सकता भाई। ठीक है, घर में वैसे खर्चा होने वाला, शादी है ना। तो कल चीकू ने मेरे साथ बहुत ज्यादा फन किया था और आज भी चीकू कह रहा पापा मस्ती करेंगे साथ साथ। पापा और रेस्ट डे मेरा, वो तो भूलना मत। हाँ जी आज ही है, क्योंकि आज संडे है, फिर कल मैं नहीं सकता। तो गाइस चीकू कह रहा है कि पापा आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। आज आप गाड़ी चलाओ? सच में चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बाइक चलाई थी, अब गाड़ी चलाऊंगा। चलो फिर। चलो, बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा मैंने गाड़ी चलाई। तो गाइस चीकू बैठ गया गाड़ी में। पहले बता, स्टार्ट करने आती है? जी। करके दिखा, नीचे की तरफ करो ब्रेक दबा के। ब्रेक कौन सी है? ये वाली? इधर वाली। हाँ अब दबाओ। वेरी गुड, रुक तो जा भाई, रुक तो जा। तो यहाँ से चीकू ने छत भी खोल दी है, गाड़ी चला तो लेगा ना जी। इधर देख के बता पहले। चला लूंगा पापा। पक्का? चलो ध्यान से चलाइयो, ठीक है? सीट आगे कर। फिर चलाएगा? थोड़ी आगे कर। ठीक है करता हूँ। तो गाइस आज होने वाला है एडवेंचर, कहीं जा रहा हूँ खुली सी जगह में जहाँ पे चीकू गाड़ी चला पाए। पापा रेसिंग टूर्नामेंट जहाँ पे होता है ना वहाँ पे चले जाओ। यहाँ थोड़ी होता वो। हाँ वो तो दुबई। तो यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। ठीक है, ये बंद कर दिया आपने? अच्छा बंद कर दी क्या? मुझे ब्रेक दबाओ। हाँ चलो, तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई है। दो पाँव दिख रहे हैं नीचे? जी। ये वाला पाँव बिल्कुल नहीं छेड़ना हमें, ठीक है? ये वाला पाँव कहाँ रखना होता है? ये वाला साइड में रखना होता है, यहाँ पे साइड में कहीं भी रख सकता है, ठीक है? और इसी से ब्रेक लगानी है, इसी पाँव से, और इसी से रेस देनी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आगे जाना हमें, तो हम गाड़ी को लेंगे डी पे। ठीक है, ठीक है। अब डी आ गई ना, अब डी पे आ गया ना, तो आगे देखना बिल्कुल, कोई कितनी बात करे हमारा ध्यान होना चाहिए आगे। और स्टेयरिंग को देखो, स्टेयरिंग को ऐसे, ठीक है, आराम से। तो पहले हम तेरा हेयर कट करा देते हैं, शॉपिंग कराते हैं जी, फिर मैं तेरे को गाड़ी सिखाता हूँ। ठीक है, ओके। चीकू मैं तेरा ना सारा कहना मानूंगा अगर तूने शादी में डांस किया तो। बोल, करेगा उतर के? उतार दूँ? जा डांस कर गया। चीकू पहुँच गया सैलून और ये कह रहा है पापा मुझे हेयर कट नहीं करवाना, क्या करवाना है? मेरे को वो हेड वॉश। हेड वॉश करवाना है वो क्या? और जल्दी बोल, सुबह पलवेल निकलना है। कल बता देगा बंटी, ठीक है? पफ सेटिंग करवानी, सेटिंग। तो गाइस यहाँ पर चीकू का हमने हेयर स्टाइल करवा दिया है और सुंदर बाबू लग रहा है ये। तो बंटी को घर बुला लूँ वापिस? बुला लो। रोज हेयर स्टाइल कर दिया करेगा है ना। फिर यहाँ पे काम कैसे चलेगा? यहाँ पे एक और है वो। तो भाई जब भी आप आओ तो कुछ करके दिखाओ, क्या करोगे नया? वेरी गुड। तो भाई जब भी आप यहाँ पे आओ ना जयपुर रोड पे, तो आपको ये बहुत ही प्यारा सा सैलून मिलेगा, ये हमारे भाई मिलेंगे यहाँ पे, तो जरूर आना, विजिट करना, सारी सर्विस मिलने वाली। चले तो गाइस अभी अभी मैं निकल रहा हूँ और मैंने पूरा स्किन पे लेजर करवा लिया है, क्योंकि नीचे ना बार बार बी एड करानी पड़ती है, फिर हम हफ्ता 10 दिन, 2-2, 3-3, 4-4 महीने का गैप आ जाता है। तो बहुत ही कमाल के डॉक्टर है डॉक्टर मोहित, तो इनकी इंस्टाग्राम में मैं टैग कर दूंगा, वो भी चेक कर लेना। बाकी चीकू तूने क्या करवाया? पापा मैंने कुछ नहीं करवाया। पल्स कराया? चलो भाई ठीक है डॉक्टर साहब। ओके जी थैंक यू। अब हम कितने साल के हो? अरे बेटा अभी तो मैं कवा रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बताते थे पापा? सही बता रहा हूँ पापा, बताते बता। अरे अभी मेरी शादी भी नहीं हुई काके, तेरा छोटा भाई हूँ मैं। ये जो घर पे दो बीवी है वो कौन है? वो आपकी बहन है? वो मम्मी है तेरी, आराम को। कितने साल की उम्र है? कुछ नहीं, छोटी सी उम्र है, तेरे से एक साल छोटा हूँ। पापा बता दो ना, बस याद कर कितने साल का। तो गाइस आप बता देना कमेंट करके। 36 साल। सही सही, वेरी गुड। पापा सही से बता दो, एक साल छोटा हूँ। 36 से 35। तो पापा मेरी बात, आज मेरा यस्टरडे था ना, 35 को ना, तो 35 टॉय से 3 टॉय कम करके 34 टॉय दिलवा दो। मतलब तो सम्मानित करो इतने टॉय से? नहीं नहीं नहीं, और 3 टॉय दिलवा दो। तो यहाँ पे भैया हमने पपीता निकाल लिया, पपीता खा के हम जा रहे हैं फर्नीचर लेने, ठीक है? हाँ जी। फाइनली पहुँच गए फर्नीचर लेने और हम पहुँचे हैं डीडी फर्नीचर लेने, हमारे भाई के पास।
और अभी इनके जा रहे हैं गोदाम में। गोदाम थोड़ा सा भैया गलियों में से होता हुआ जा रहा है। चीकू डर तो नहीं लग रहा? नहीं। स्माइल क्यों कर रहा है सूरज इतनी है? भाई पता नहीं, देख। तो भाई चीकू फुल फन कर रहा आज, क्योंकि पापा के साथ घूमना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। हाँ मेरी बात भी मानिए, आपको बहुत सारा आप करना है मेरे को। मैंने बोला था ना आज मेरा वो डे है, क्या बोलते हैं, यस डे। मतलब जो तू बोलेगा मैं उसमें हाँ करूँ। फर्नीचर लेने और हमें चाहिए 2 से 3 बेड के। मंदिर भाई के 2 बच्चे भी हैं, भाभी हैं, आने जाने वाले भी हैं। तो हम चाहते हैं उनका पूरा नीचे का सेटअप कर दें अच्छा सा, जो वो रह पाए। ये चीजें मैंने कुलदीप भाई को बोली थी कि तू यहाँ रह जा, यहाँ रह जा, पर उसने भी जिंदगी में कभी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, पर मनदीप ने ले लिया। मनदीप अब शादी के बाद यही रहने वाला है। तो भाई हम पहुंच गए गोदाम में और यहाँ पे इतने सारे बेड दिखने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ चीकू का आज चॉइस चले। चीकू तेरी चॉइस चलेगी, बता कौन सा बेड लेना। ये रेड वाला। आते पसंद है? देख तो ले, पहले अंदर तो देख ले भाई, बहुत सारे बेड बेड हैं। ठीक है चलो, बता भाई कुछ समझ में आया क्या? ये वाला समझ में आ रहा है। ये वाला समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या समझ में आया तुझे? पापा देखो वो ज्यादा, तो ये तो पागल चद्दर के ऊपर ढक जाते हैं। ये तू तो ब्लू वाला कह रहा है, ये थोड़े होता है। ये वाला सही है। अरे मेरे साथ आ, तेरे को कुछ पता ही नहीं। यहाँ तो हमने नजर मार ली है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर देख लेते हैं ना। हाँ भाई। हाँ जी बोलो। ये समझ आ रहा है मेरे को तो, बटरफ्लाई वाला। ये तो लड़कियों के लिए होता है पागल। लड़की है तू, मगरमच्छ वाला देख ना, बटरफ्लाई का क्या करेगा? है कहीं भी देख ले। क्या कह रहे चीकू? ये देख, ये वाला बेड। तू बता देख मुझे ना, क्या ना तेरी तरह, मेरी बात तो सुन ले, तेरी तरह वहाँ भाई है छोटे और वो है लड़ाकू विमान, समझ रहा है? तो मुझे चाहिए रफ टफ। एक तो मुझे वो पसंद आ रहा है पीछे वाला। पापा पर वो देखो कौन सा, ये ब्लू वाला? ये नहीं, इसके साइड पे देखो, ये कितने बड़े बड़े हैं। बेटा इतने बड़े बड़े रूम नहीं है नीचे चीकू, हमें चाहिए। देखो चीकू कितना बड़ा है। नहीं ये रहने दे, ये रहने देते हैं। हाँ जी सर बोलो। पसंद चूंकि देखो प्यारे प्यारे बैठते तो हैं ये छोटे छोटे काके से, है ना, काके से बैठ लेंगे। हाँ ये देखो वो दोनों सेम है, तो रूम में वो हो जाएगा, ये वाला बीबीएमडब्ल्यू वाला, वो वाला बीबीएमडब्ल्यू वाला। तो गाइस एक तो हमने कर लिया ये वाला फाइनल शादी के लिए। ठीक है शादी के लिए, ठीक है। तो ये चीकू की पसंद है, ये हमने डन कर लिया। दूसरा बताओ, दूसरा ये वाला? नहीं ये नहीं। गाइस ये देख लो पूरी भरमार है। जब भी आप यहाँ पे आओगे ना डी डी फर्नीचर पे, हमारे भाई साहब दिखेंगे आपको, ओनर है हमारे भाई साहब, इनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ इतने चीप प्राइस में आपको मिलने वाले, आप सोच भी नहीं सकते। यार चीकू यार यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर सोफे हैं यार, हैं? पर यार वो नीचे वाला घर इतना बड़ा है नहीं, उसके अगर ये सोफा लगा देना ना तो पूरी गैलरी इसी से भर जाएगी। नहीं सोफा भी लें क्या? सोफा भी ले लेते हैं बैठने के लिए। यहीं से आ गए हम और बेड देखने के लिए। और ये दूसरा ब्लॉग है, इसमें भी बहुत सारे बेड है, बहुत सारा फर्नीचर है। फर्नीचर एकदम यूनिक सा है, मजेदार सा। पापा सुनो वो देखो, अगर ये अगर आप ये वाली पिक्चर लेते ना, मैं तोड़ फोड़ के सारी गल निकाल के पटक पटक। बताओ ये इस लड़के की सोच है, वेरी गुड बेटा। यही उम्मीद है मुझे तुझसे। बहुत अच्छी है यार, ये वाला बेड हमारे रूम में आएगा नहीं चीकू? तो पापा ये हमारे रूम में रूम जो है ना, ये वाला बेड ले लो फिर। ये थोड़ा यूनिक सा बेड है बेटा, जब हम घर लेंगे ना बड़ा तब लगवाएंगे। ठीक है क्या? बस यही चीजें देखता है, इधर आ जा तू चुपचाप। गाइस फर्नीचर वगैरह हमने ले लिया है और गोलू और पायल ने भी पूरी शॉपिंग कर ली है शादी की। और अभी मेरा टाइम हो गया प्रोटीन लेने का। प्रोटीन के बाद मेरा टाइम है कि मेरे को एक टॉय शॉप पे लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ बता? टॉय शॉप पे, लव टॉयज पे लेके चले जाओ, वो वीआईपी रोड पे। ठीक है बेटा। तो गाइस गाना आ गया है, जिसने अब तक नहीं देखा बायो में लिंक है, जाके देख लो, गाना बहुत ही कमाल का है, दिल खुश हो जाएगा सुन के। तूबा शॉपिंग करके आ गए शादी की, ठीक है? मम्मी भी गई हुई है, फुल धूम धड़ाका होगा घर में। ओके ओके मम्मा। देख नहीं रही चुकी है तो तो गाइस फाइनली गोलू पायल घर पहुंच गया। और भाई अगर आप देखोगे ना शादी की, इतनी सारी शॉपिंग करके आई है लड़कियां, मतलब पूछो मत। ये देखो ये पूरा बेड खिला रखा है, ये जूते हैं, और बाहर दिखाता हूँ आपको, बाहर ये लगा लो पूरा बाजार बाहर भी है। तो शादी की शॉपिंग जोरों शोरों से चल रही है, फुल जोरों शोरों से। और बस मैं इनको बता देता हूँ, मैं भी ना मनदीप के लिए ना नीचे जो है रहने के लिए बेड बेड ले आया हूँ। अच्छा सही किया, देख लीजिए आपको पता क्या आगे समझ नहीं, कल आएगा ना। अच्छा आज मैं देखा है, फाइनल कराया था ना। तो भाई यहाँ पे बहुत ही कमाल के जूते हैं, ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये वाले सारे अच्छे जूते हैं। आपको एक पसंद है ना ऐसी वाली जैकेट? हाँ ना ये वाली आपको आजकल, इसमें आप इसमें हम तीनों कलर ले आए, ग्रीन भी, बेज भी और ब्लैक। हाँ जी मम्मा से मिल लिए, मम्मा को पूछो कुछ लाए मेरे लिए। आपके लिए कितनी चौड़ी चीज लेके आई हो, मैं आपको इसके शूज दिखाती हूँ। ये देखो इधर आओ, ये देखो, ये है
है आपकी शूजू मैचिंग अयानू भाई के शूजू, फिर दीदी पीछे रहेगी, ये दीदी के जूते कैसे हैं सुंदर, दोनों भाइयों के सेम सेम जूते लेके आई हूँ और इतने सुंदर सुंदर सेट लेके आई हूँ ना, जैद और अयान के इतना प्यारा सेट लेके आई हुई है देखो, तो चिकू पापा का गाना है बहुत ही बेहतरीन, जिसने अभी तक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी जाके गाना देखो, सच में ऑसम लग रहा है उसमें। क्यारा की फ्रॉक है, कैसी है, सुंदर है ना, सुंदर है ना। बॉयज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए और जिसने गाना अब तक नहीं सुना सुन लो जाके, बायो में लिंक है, बहुत ही कमाल का गाना, उसी का इवेंट है और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्र आने वाले हैं। और कृष्णा तुझे चलना साथ ले जाए, पृथ्वी जाएगा, पापा भी जाएगा, डैडी भी जाओगे इवेंट में, इसके तो बाल ही इवेंट के देख रहा कितने प्यारे बाल हो रहे हैं, टोपा बना रखा था इसके बाल खड़े कर देती हूँ ऐसे जेल लगा के, ऐसे छोटे छोटे स्पाइस कर देंगे एक दिन। पृथ्वी दिल्ली चल रहा है घूमने नानी के पास, बताओ नानी के पास चल रहा है, पापा कह रहे नहीं जा रहा ना, क्यों पापा, गोलू बच्चों के कपड़े कितने महंगे होते हैं ना, और बहुत महंगे होते हैं, अब ये हिसाब नहीं लगा सकते कितने के आए हैं, अब ये लगा लो जितने के आपके कपड़े हैं ना उतने के बच्चों का है, कोई फर्क नहीं आजकल के टाइम में, और एक साल में नहीं पहनते हैं। आप ये जो ये लगा लो छोटी छोटी फ्रॉक है ना, इतनी इतनी सी फ्रॉक, वही मतलब 1500-2000 की फ्रॉक आती है। हाँ भाई वो फ्रॉक आप इसे कॉट सेट पहने, ऐसे बच्चों की कॉट सेट लेके आए फंकी फंकी, ये देखिए ये देखो एक मिनट यू, अब ये लगा लो आप, जैसे बड़े बच्चों के कपड़े आते हैं ना ऐसे सेम छोटे बच्चों के आते हैं, बस साइज का फर्क होता है बाकी सब सेम। बुला रहा था पृथ्वी मम्मी डांट रही है अभी क्या किया इसने, मैं ऐसे करके खड़ी हूँ, इसने ना अपना जो नाक होता है ना, अब नाक तो लगता है बहुत, इस नाक मारा मेरे सर पे इतनी तेज, ये मारा मेरे यहाँ पे, अब इसको लग गई, फिर ऐसे करो, फिर मैं इसको डांटा क्यों, गाइस बिल्कुल भी अभी के ब्लॉग मिस मत करना, मनदीप भाई की शादी होने वाली है, मतलब ये लगा लो हर एक इंसान का सपना होता है और सारी जिम्मेवारी हमने उठा रखी है कि भाई धूमधाम से शादी करेंगे और खुशियों के साथ स्वागत होगा हमारी भाभी का। अरे भाभी क्या जन ज्वेलरी पसंद करके आए, लहंगा पसंद करके आए, विराज और देवराज के दोनों भाइयों के सेम कपड़े लेके आए हैं, सबका सब कुछ करके आए। फिर होने वाली है सूरज भाई की शादी 15-20 दिन बाद, मुहूर्त निकलवा लेंगे अच्छा सा, मतलब इस घर में अब दो शादियां हैं सूरज की और मंदीप, तो मेरा डेट फिक्स नहीं हुआ है, डेट फिक्स करवा लेंगे क्या दिक्कत है भाई, बाल क्या बोलते गोलू, सही बात है देखो पंडित जी आएंगे फेरे करवाने के लिए तो फेरे तो पड़ेंगे, वो जैसे लोगों में एक्साइटमेंट रहता था ना जब प्रेगनेंसी गोलू पायल क्या होगा तो वो ब्लॉग ना एक डेढ़ महीना पूरा मतलब ऐसे रहा था, डेली ब्लॉगिंग चलती थी, बड़े बड़े ब्लॉग होते थे, तो ऐसे मंदीप भाई की जब शादी होगी तो इसका भी अलग ही मजा आने वाला, नहीं क्या कर रही है ये, पैक कर रही हूँ दिल्ली ले जा रही हूँ। अच्छा हाँ, ये तो, खोल के लेके जाना ऐसे सीट पे रख के, इसको ये बेल्ट से बांध देती हूँ, हिलेगा नहीं, ठीक है चलो बेटा बैग से बांध देते हैं, बैग से बांध दूँ कह रहे नहीं पापा अगली बार जाऊंगा, आ जाएगा यहाँ पे देखियो, हाँ आ जाएगा चलो बाय बाय, आपको फी मिलती है ये दो जूते अलग अलग बीते ही अलग अलग नहीं है, एक गोल्डन पिना एक सिल्वर है ताकि दोनों कलर देख सको, दो गोल्डन है दो सिल्वर है, तू भी हीरोइन बन गई बेटी, तू तो बड़े बड़े कितने ऐसे निकल रहे हैं, तू जब बड़ी हो जाएगी ना पायल वैसे की वैसे रहेगी फिर भी ये तो, अच्छा मैं हाँ। तो ये मेरे कपड़े पहन ले करेंगे, हाँ। दोनों सेम कपड़े पहन लेंगे, ठीक है तू बा जा रहा हूँ मैं, बाय 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 करो पापा, इसको जूते चाहिए, शायद यार ने क्या किया आपके बालों को, कहाँ हो गया और ये क्या कर रहे हो आप, इतनी गंदगी मचा रहे हो इस घर में, बीती कौन सफाई करेगा, आपकी मम्मा सफाई कर लेगी, कहाँ दुखे नीतिशमी आयशमी प्लीज लिसन, छोटे बच्चों में हाथ नहीं उठाती, प्लीज लिसन, तू बा भी गंदी हो, इकट्ठे मचाते हैं गंदगी की, मत जाइयो ऐसे वहाँ पे नीचे, ऐसे दीद मत जाइयो गंदगी मचाते मचाते, ये लो मचाओ मचाओ गंदगी मचाओ अच्छे से, ठीक है माय दो माए हम सब मिलके साफ करेंगे, काम करो फिर घर से, फिर घर आ जाओ, तुम भी रह गए थे आ गए, तुम भी बचो भाई के शगन, ये हम सब कूड़ा करेंगे घर में, ये हम करेंगे कूड़ा, ये यस एक कोना भी साफ नहीं बचना चीज घर का, ये देखो सीक्रेट दिखा दूं मुझे, ये लो तुम आप भी कुछ करो गंदगी में चाहो, देखो देखो ये देखो अभी हैरान हो जाएगा, हम सब गंदगी में जाएंगे, ये हम गंदगी में जाएंगे, ये मुंह में डालना, नो 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 ऐसे नो, तू को नहीं मचा रही, ओ चाटा मार दिया ओ मार दिया, किसने मोला, भाई ने मोला, अमन भाई देखिए भाई के कब दीदी को मार मारते हैं, आज तो वो भी उसको उसके पीठ पे बैठी थी, जादू बेइज्जती हो गई, उसे करोगे करनी मैं समझ गई तूबा गंदगी को नहीं मचा रही क्योंकि वो गर्ल है, सेंसिबल गर्ल, ये बॉय इशे बॉय इशा नॉटी बॉय, तूबा आप गंदगी में जाओगे, देखती है तूबा गंदगी में जाओगे, नहीं अब उसको दो, ये गंदगी में जाएगी, ये कूड़ा में जाएंगे घर में, ये यस यस यस
मम्मा को दे दो ना तू दे दो मम्मा को आ आ बहुत मीठा है ये तो बहुत मीठा है आपने भी खाया खाओ खाओ नहीं टूट रहा नहीं टूट रहा मैं देखो बहुत ही टेस्टी है ये तो बहुत ही टेस्टी है बोलो मम्मी सार मत खा लेना ऐसे से कव कव करके बेटा घी की चम्पे करके आयो बच्चों को याद है बिल्ली आ गई वापस बिल्ली भैया भी तो जैद को वो कर रहे थे क्या सोच रहा है इतना भारी लग रहा है इधर आई बेटी हाँ तू तो गाइज ये हमने लिया है मंदीप भैया के बड़े बेटे के लिए इसका हमें प्राइस पड़ा था 4400 ये लिया है हमने छोटे बेटे के लिए इसका प्राइस भी 4400 या 4200 फिर ये लिया हमने चीकू के लिए ये हमने लिया है चीकू के लिए और ये एक एक्स्ट्रा लिया है अगर बच्चों को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये आ जाएगा काम ठीक है ये हमने लिए तुबू के लिए एक व्हाइट फ्रॉक एक येलो फ्रॉक एक पिंक फ्रॉक पिंक फ्रॉक ठीक है और ये सब छोटे बच्चों के लिए गर्मियों के लिए लेके आए क्योंकि हम दोबारा जा नहीं पाएंगे फिर वहाँ पे सारे जो जितने भी वो है वो चीकू के और बच्चों के ये सारे चीकू के हैं ये सारे जैदयान के हैं वो वाले जो दो दो ट्राउज नहीं दो चार, चार है और ये तीन बच्चों के लिए जूते सेम लिए हैं चीकू के लिए भी और मंदीप भैया के दोनों बच्चों के लिए चीकू का साइज थोड़ा बड़ा है ना तो कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया कलर वो है चीकू का और ये हमें पड़े मैक्सिमम 1000 रुपए या 1200 रुपए के ज्यादा महंगे नहीं है तो गाइज ये हम BMS फैशन से लेके आए हैं और ये मेरी और गोलू के लिए दो दो लेके आए हैं दिखाती हूँ आपको ये वाली डियोर डियोर और साथ में गुची की लेके आए हैं कॉपी है पर कोई बात नहीं कॉपी है पर अपनी ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर तो ये लेके आए हैं हम अपने लिए दो जोड़ी मतलब चार जोड़ी और मैं दिखाती हूँ इसमें मैं और भी चीज़ लेके आई हूँ ये दो वॉच लेके आई हूँ फर्स्ट दिस वन गैस की कॉपी 1450 की है और एक मैं लाई हूँ ये देखो LV की घूम रही है पूरी ये 1660 की है थोड़ी महंगी है और मैं लाई हूँ बेल्टे GC Versace और ये गोलू लाई है CK तो ये है हमारी ये हमने इतनी शॉपिंग करी है कि बच्चों की हाँ और भी किया दिखाती हूँ देखिए गोलू को ना पर्स ऐसा स्लिंग बहुत पसंद है लेने ना तो मैंने उसके लिए ये लिया था कोच का और गोलू ने मेरे लिए पसंद किया था ये वाला कॉर्ड सेट और मैंने गोलू के लिए किया था ये वाला कॉर्ड सेट गोलू ने दूसरे कलर देखे थे पर मुझे ये अच्छे लगे ये इसके साथ ये ब्लैक वाला है तो मुझे गोलू के लिए ये पसंद आया था फिर गोलू ने एक ये शर्ट पसंद की थी अपने लिए मैं भी पहन सकती वो भी फिर हमने दो शर्टें ये पसंद करी थी 1 and 1 पार्टी वगैरह थोड़ा पार्टी वटी जाने तो ये थी हमारी शॉपिंग और हनुमान जी के आधे कपड़े वो ले गए हैं आधे ये हैं अभी पूरा कमरा फैला हुआ है पूरा कमरा सेट करना अच्छे से ये सारे जूते लेके आए हैं ये दो जो शूज है ना ये BMS किड्स 1 से लिए थे हमने 3200 का एक है 3350 का एक है और ये हमने लिए BMS फैशन से जिद करने लग गई क्या कह रही है मुझे नहीं पता गर्मियों की फ्रॉक अभी पहनूंगी इसके ऊपर भाई की तरह हाँ चीकू की तरह देखियो कैसी लग रही है इतनी कमी लग रही है इतनी कमी लग रही थी इतनी कमी अच्छा प्यारा लग रहा है फ्रॉक तो बड़ा पालू लग रहा है तेरे पास ये अच्छा बेटा अभी तेल लगा रखा है क्यों इसको गंदा कर रहे हो ओए बंदरू जिद कर रही थी ये पहन के सोऊंगी यही पहनते तो होगा मेरा बंदरू यही पहनते तो होगा चम्मच मांग रही है रो रही है कह रही है मारना सीख गई नहीं बेटा ऐसे नहीं करते गंदी बात होती है गुस्सा देख लो गुस्सा सुने बैड गर्ल व्हाई दिस हैपनिंग भाई यहाँ पर पूरी टीम रेडी हो गई है तो कहाँ जा रहे हो भाई तुम दिल्ली तू कहाँ जा रही है दिल्ली तो भाई दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक बढ़िया सा प्यारा सा इवेंट है हमारी हरियाणवी कलाकारों के साथ गाना आ गया मेरा जिसने अब तक नहीं सुना सुन लेना गाना बहुत ही कमाल का होने वाला है तो आज तेरे को जा ये गाड़ी दे दी ये गाड़ी चला जा चलो चलो भाई दिल्ली 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 वो तू चलाएगा तो भाई हमारे साथ ना सीन हो गया रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था बहुत ही ज्यादा मतलब रास्ते पूरे जाम थे हम घर वापिस आ गए अगर काम हुआ तो हम फ्लाइट से फिर ट्रेन से जाएंगे अभी गोलू को मैंने मिस कॉल की थी अब देखते हैं गोलू से पूछूंगा कुछ लाना दिल्ली से आते हेलो हाँ जी आपको कॉल आया था हाँ मैंने ये कहा था कुछ आता लेता आऊँ दिल्ली से क्या क्यों कुछ लाऊं तेरे लिए क्या यार कुछ लेके आऊंगा दिल्ली से आते हुए हाँ लिया ना क्या लेके आऊँ बता आप मेरे लिए बाइक के कपड़े ले आना चल सुंदर से कपड़े ले कुलचे ले आऊंगा कुलचे ठीक है अभी ऊपर जाएंगे ना छोले कुलचे आगे लक्ष्य ना बड़ा दिल था दिल्ली घूमने का इसी शक्ल देखे बेचारी शक्ल बनी हुई है ना नहीं ट्रेन से भेज दूँ कल घुमाइयो
नहीं ट्रेन से भेज दो कल घुमाइयो नहीं क्यों बन के गई थी कपड़े वपड़े लेके मैं तो कभी नहीं किया जैसे वर्कआउट किया था वैसे कपड़े चेंज करके निकल लड़के लगते हैं भाई हीरो लड़कियां नहीं लगती पहले हुआ तेरे साथ कभी ऐसा कि तू सामान लेके निकला हो और उसके बाद तू कह चलो दोबारा वापस सूट वूट तो कैंसिल हुए सूट वूट तो हो जाए कैंसिल ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जा रहे हैं और रास्ते में वापस आ रहे हैं हम वापिस आ गए मेरा दिल नहीं लगा तेरे बिना रास्ते बंद थे क्या हाँ रास्ता बंद देखो आ गया देखो आ गया हाँ भाई पहले वापिस आ गया मैं हम तो भी काम ही कर रहे आप कह रहे हो लेते चले क्या नीचे थे वो नीचे से पूछ रहे थे पाल क्यों जाएगी इवेंट कैंसिल ही कर दिया मैंने सही क्या ना सच में वो जाम था तेरी कसम अभी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे जाम था रास्ते नहीं थे जाने की दिल्ली तो यार है थोड़े बहुत रास्ते पर जाम बहुत है मतलब जो रास्ता हमारे यहाँ 4 घंटे का ना जाने का वो 8 घंटे का रहा फिर मैंने बोला तो मैंने मैं कह रही हूँ अभी तो ये निकले ही हैं ज्यादा दूर गए भी नहीं कह रहे चाह रहे क्या ये तो कंपटीशन करते हैं अब कंपटीशन देख रहे हैं देखना हाँ भाई करो कौन वेरी गुड बढ़िया कॉम्पिटिशन है जीतता कौन है जीतता तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करना बिल्कुल भूलना अरमान जी का गाना आ चुका है डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाना जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी जाके गाना भी देख लो और अरमान जी की स्नैपचैट आईडी यहां पे आपको दिख रही होगी उसे भी फॉलो कर लो डेली अपडेट्स आपको वहीं मिलेगी बाय बाय गाइस गुड नाइट